नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीएससी यानी किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में गिरावट, 2024 के मद्देनजर अभी से ही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर तमाम पार्टियां अब समझ रही है कि हमें काम करना होगा वरना चुनाव हाथ से फिसल सकते हैं। हालिया चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि जिधर है महिला वोटर वही पार्टी सरकार बना रही है। जी हां, महिला वोटर जिन्हें की अनदेखी एक वक्त पर ऐसी की जाती थी, आज वही महिला वोटर ये तय करती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव ये साबित हो चुका है कि महिलाओं का ज्यादा वोट जिधर गया है उन्होंने ही सरकार बनाई है। सुधांशु द्विवेदी जी राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान सोज साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलुक नागर साहब सांसद बीएसपी के जुड़ गए हैं। कुलदीप नागर साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा जो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम आपको दिखा रहे हैं वो है लोकसभा चुनाव में वोटरों का समर्थन किसको मिला। पुरुषों और महिलाओं दोनों के मद्देनजर हम आपको 2014 और 2019 के आंकड़े दिखा रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस को 2014 में 19% पुरुषों का साथ मिला और 19% महिला का। वहीं बीजेपी को अगर आप देखें तो 33% पुरुषों का और महिलाओं का 29% उन्हें साथ मिला। अंतर 4% का दोनों के बीच में रहा। लेकिन वहां पर कांग्रेस को पुरुष और महिलाओं ने बराबर बराबर वोट दिया। बहुत दिलचस्प डेटा है ये। लेकिन 2014 में मोदी की सरकार बनी, पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था। अब ये देखिए 3% का अंतर आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ये उस तरह से मायने नहीं रखता है। पुरुषों ने 19% किया और 1% ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन बावजूद इसके सत्ता बीजेपी को मिली जहां पर 36% महिलाओं ने वोट दिया था और 39% पुरुषों ने वोट दिया था। लेकिन हाल के कुछ चुनावों में ये ट्रेंड बहुत बदला है, हम आपको दिखाएंगे। अब जल्दी से हम आपको कंपैरेटिव ग्राफ दोनों का दिखा दें। कंपैरेटिव ग्राफ दिखाइए जिसमें 14 में कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर आप देखें तो महिला वोटर्स कितनी थी और वहीं पर बीजेपी की तरफ अगर आप देखें तो कितना था, 19 और 20% आप देख रहे हैं। ये महिला वोटर्स का साथ हम आपको दिखा रहे हैं, 19 और 20, और वहीं बीजेपी को 29 और 36% 14 और 19 में मिला। अब कंपैरेटिव ग्राफ दिखाने के बाद एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो सीएसडीएस ने निकाला है। अब इसमें क्या है, 2014 में कांग्रेस और 2019 में बीजेपी, जितने वोट मिले थे उनमें से महिलाओं को 11% बीजेपी, यानी कांग्रेस को जितने वोट मिले थे, ये देखिए ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उनमें से 11% महिलाएं चली गई बीजेपी की तरफ और 12% पुरुष चले गए बीजेपी की तरफ 2019 आते आते। इस डेटा को समझना पड़ेगा, ये मतलब एब्सोल्यूट परसेंटेज नहीं है। जो कांग्रेस को वोट मिला 2014 में पुरुषों का, उनमें से 12% गए बीजेपी की तरफ 19 में और 11% महिलाएं गई। वहीं अगर आप देखें तो 2014 में 7% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया था वो उधर गए और महिलाओं में से 7% कांग्रेस की तरफ गए, लेकिन ज्यादा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया। ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। ट्रांसफर दोनों तरफ से हुआ, ये बताता है कि लोग चुनाव के बाद मन बदलते हैं। 14 और 19 के बीच में 7% पुरुष और 7% महिलाओं ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ वो चले गए थे। मतदाता जिनका मन नहीं बदला, ये अगला आंकड़ा है। ये भी लोकनीति सीएसडीएस के जरिए हमने निकाला है। 2014 में कांग्रेस पार्टी और 2019 में भी कांग्रेस की तरफ रहने वाले 68% पुरुष रहे, 67% महिलाएं रही। वहीं पुरुषों में आप देखें तो 71% पुरुष वापस रहे बीजेपी में, 71% महिलाएं, एक बड़ा आंकड़ा उनमें बरकरार रहा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला और पुरुष वोट कैसे इसमें बदलाव आया है ओवर द इयर्स। इसलिए हमने 1999 से आंकड़ों की शुरुआत की है। 5 नंबर का जो ग्राफिक्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुरुष पहले 63%, 97% थे और महिलाओं से देखिए कितना फासला था, लगभग 8% का, जिसमें 55.64% महिलाएं वोट देती थी। 2009 आते आते देखिए मामला कैसे बदला, 61 और 53, तो ओवरऑल वोटिंग 2009 में कम हुई। उसके बाद आप देखिए पुरुषों का 2014 में काफी करीब आ चुके हैं, 65% पुरुष वोट कर रहे थे तो 66% महिला, यानी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। वहीं पर 2019 आते आते पुरुषों और महिलाओं में अगर आप देखेंगे तो फासला, मतलब महिलाओं ने एज ले लिया है, वो 67.18 है, 0.17 का फर्क आ गया है
महिलाएं, अब एक वक्त पर कहा जाता था महिलाएं नहीं निकलती हैं वोट करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ बदला है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्य जो है उसमें विधानसभा चुनाव के मतदाता कितने हैं। कर्नाटक में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की बनी। पुरुष और महिला में यहां पर आप देखिए तो बहुत बराबरी का मामला दिखता है। 72% महिला निकली थी यहां पर वोट करने के लिए, 73% पुरुष निकले थे। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए यहां पर भी कांग्रेस की जीत हुई, तो यहां पर महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर 76% महिलाएं निकली थी और सिर्फ 70% पुरुष। वहीं आप त्रिपुरा में देखिए तो 89% के आसपास महिलाएं निकली थी और पुरुष 85% निकले थे। अब यही हम आपको उत्तर प्रदेश में आंकड़ा दिखा रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और 62% यहां पर महिलाएं निकली थी वोट करने के लिए। उत्तराखंड में देखिए 67% महिलाएं यहां पर निकली थी। अगला आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, 3 राज्यों का हम आपको डायरेक्ट नंबर, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि राज्यों में कम से कम महिलाएं डिसाइड कर रही हैं किसकी सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश अगर कांग्रेस पार्टी को 43% और महिलाएं 45%, वहीं पर आप देखिए बीजेपी का हाल 3% महिलाओं की जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिली, माना जा रहा है कि वही उसी ने जिताया क्योंकि ज्यादा पुरुषों ने वोट किया है बीजेपी के लिए 44%। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, ये राज्य में साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी को महिलाओं ने हराया क्योंकि पुरुषों ने ज्यादा वोट बीजेपी के लिए किया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की यहां पर जीत हुई थी। अगला आंकड़ा देखिए उत्तर प्रदेश, यहां पर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए 39% और 33% महिलाएं, वहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों बहुत ज्यादा, बल्कि महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा वोट किया बीजेपी के लिए। तो यहां पर कहा जा सकता है कि योगी की जीत के पीछे महिलाओं का साथ था। अगला आंकड़ा जो हम दिखा रहे हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे वो है त्रिपुरा। यहां पर भी देखिए महिलाओं की जीत ने 47% जिसे सुनिश्चित किया कि किसकी जीत होगी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं राज्यों में एक ट्रेंड पिछली सरकारों में हुआ है जिसकी वजह से सीधा महिलाओं का साथ मिलते ही उस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेटा हिमाचल प्रदेश का है जिसमें आप देख रहे हैं कि पुरुषों ने ज्यादा वोट दिया है बीजेपी को, लेकिन बावजूद इसके चूंकि महिलाएं उधर ज्यादा है इसलिए जीत हो जाती है कांग्रेस पार्टी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़े जो आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि महिला आरक्षण बिल आ सकती है सरकार। ये जो विशेष सत्र की बात हो रही है उसमें 3 मुद्दों पर चर्चा है कि एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल और साथ ही यूसीसी का बिल आ सकता है। लाएगी सरकार नहीं लाएगी ये तो उनकी मंशा है, इंतजार करना होगा। लेकिन इसी के साथ हम एक एक करके तमाम स्कीम्स भी चर्चा के दौरान आपको दिखाते रहेंगे जो राज्य सरकारें ला रही हैं। हर कोई किसी ना किसी तरीके से, आप सोचिए 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कहते हैं 1250 कर दूंगा फिर 2000 भी कर दूंगा। महिलाओं के लिए स्पेसिफिक अलग अलग अभी ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने कि वो 25,000 महिलाओं को देंगे। ऐसा ही आपने देखा सिलेंडर के भाव को लेकर, सिलेंडर की गारंटी 500 में सिलेंडर देंगे ये कांग्रेस पार्टी कह रही है मध्य प्रदेश में। तो महिलाओं को लेकर जो पार्टीज का फोकस है उस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। सुधांशु त्रिवेदी जी आपके साथ, महिलाओं ने हिमाचल में बता दिया कि वो जिधर है उधर ही जीत है, क्या उसको उस वोट बैंक को आप साथ पाएंगे? क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है कि कई राज्यों में हमने दिखाया डेटा के साथ, कर्नाटक में आप देखिए, हिमाचल में देखिए महिलाएं आपसे छिटकी हैं, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी उनको साथ लाने? देखिए जो आपने कहा कि कर्नाटक में या हिमाचल में 2% का अंतर है, मगर मैं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके डाटा में कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में 13% का अंतर और त्रिपुरा में 15% का अंतर, ये 14% का अंतर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13% और 14% का मतलब जानते क्या है? जहां पर कानून व्यवस्था की चुनौती ज्यादा बड़ी थी, कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा महिला को भुगतना पड़ता, वो भी गरीब वर्ग की महिलाओं जो अकेले जाती हैं, अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जब हम जीते थे उत्तर प्रदेश में तो कहा गया था कि कानून व्यवस्था और महिलाओं का समर्थन, उसकी वजह से हम जीते, और आपका आंकड़ा वही दिखा रहा है। परंतु देखिए राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं को देखना और यथार्थ की दृष्टि से देखने में अंतर है। याद करिए प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जब पहला भाषण दिया था लाल किले से 15 अगस्त 2014, क्या बोला था? स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा था ये दोनों गैर राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक पंडितों ने कहा, परंतु ये हमारी सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं आई थी, सोच बदलने के लिए आई थी। क्योंकि महिलाओं के मर्म को अगर आप समझिए, 11 करोड़ शौचालय मिले तो इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो महिला के ऊपर।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने बात कही, अब आप देखिए भारत में नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बढ़ोतरी हुई है और पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है नए पैदा हुए बच्चों में। फिर उज्ज्वला योजना हो या अन्य चीज, वो तो एक चीज हुई। 200 रुपए तो इन्हीं को टारगेट करके घटाया आपने सिलेंडर का भाव चुनाव के पहले। 9.5 साल तक ईंधन टैक्स आप वसूलते रहे, दबा के जब कमाई हो गई 30 लाख करोड़ की बताई जाती है ईंधन टैक्स से कमाई, उसके बाद आपने 200 रुपए लास्ट में चुनाव के एन पहले घटा दिया है और उज्ज्वला योजना वाली जो औरतें हैं उनके लिए 400 हो जाएगा। जो तमाम स्कीम्स का हमने ग्राफ बनाया है वो अंजना जी लोग कह रहे हैं बताएं उन्होंने 2 रुपए भी घटाए हैं क्या अपने 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 राज्य में? क्या पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों गुजरात में 96 है और राजस्थान में 108 है? क्यों 106 के आसपास है बंगाल में और उत्तर प्रदेश में 96-97 है? जो 2 रुपए नहीं घटाए वो 200 रुपए के लिए बात करते हैं तो मुझे लगता है, और वो भी कहते हैं मतलब हमने नहीं किया मगर हमारे डर से उन्होंने कर दिया, ये बिल्कुल हास्यास्पद और मजाक की बात लगती। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने ईमानदारी से जो महिलाओं के लिए किया है वो मैं बताना चाहता हूं। जो मुद्रा योजनाएं मिली हैं जिसमें 34 करोड़ लाभार्थी, उसमें 55% महिलाएं हैं। 4 करोड़ जो प्रधानमंत्री के आवास मिले उसमें 3 करोड़ में रजिस्ट्री में मालिकाना हक बराबर से महिलाओं का लिखा है। मैं चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हो, और अगर टॉप लेवल पे देखें तो सबसे ज्यादा महिला मंत्री इस समय है। और पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में 2019 के अंत के समय, तो जब सुषमा स्वराज जी और निर्मला सीतारमन दो थी, 4 में से 2 महिलाएं भारत के इतिहास में नहीं हुई। तो जमीन से शुरू करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर, और फिर चाहे द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना हो, मोदी जी ने जिस ईमानदारी और संभाव से काम किया है वो मेरे विचार से अतुलनीय है भारत के। ठीक है, सो साहब से एक सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल है बस, क्योंकि कुलदीप जी यहाँ पर आप लोग बार बार कहते हैं ये रेवड़ी वाली पार्टी है, रेवड़ी वाली पार्टी है। ये जो 1000 रुपए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये रेवड़ी है या कल्याण है? आप करें तो कल्याण, ये करें तो रेवड़ी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह लाडली लक्ष्मी योजना, लड़की के जन्म पर 30,000 रुपए, महिला निधि, 2 दिन में 40,000 का लोन जो राजस्थान में चल रहा है उस पर सोच साहब से पूछूंगी। लेकिन तमाम राज्यों में ये जो स्कीम्स चलाई जा रही है कि महिला वोटर को अपनी तरफ किया जाए, ये सब रेवड़ी है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा ही लग रहा है ना इसमें? देखिए हम जो करते हैं वो पूरा होमवर्क करने के बाद टारगेटेड होके करते हैं। जैसे 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज की बात कही ना, 140 करोड़ को तो नहीं कहा हमने, 50 करोड़ को कहा ना कि हम आयुष्मान भारत देंगे, 140 करोड़ को तो नहीं कहा। ये आके कहते हैं सबको देंगे, और आम आदमी पार्टी के लिए हम इसलिए कहते हैं ये 2 राज्यों में है, पंजाब और दिल्ली। उत्तर भारत में सबसे समृद्ध राज्य जो माने जाते हैं वो पंजाब और दिल्ली है। सबसे समृद्ध राज्यों में जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, आज आपके कहें मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे देखना नहीं किसको जरूरत है किसको नहीं, ऐसे जाके कह देंगे तो वो अंतर होता है, वो होता है रेवड़ी। ठीक है, एक बार मैं सोच साहब से इस पर कमेंट ले लूं, उसके बाद कुलदीप जी तुरंत आ रही हूं, आपका इस पर तो बहुत सवाल है आपसे। सोच साहब अब आपको क्या परहेज है, अब आप लोग भी रेवड़ी आपके राज्य में बनी गारंटी, आप गारंटी नाम से वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई दिख रही है, यथार्थ है अब कि अब महिला निधि, 2 दिन में 40,000 का लोन, राजश्री योजना गहलोत साहब की 12वीं तक 50,000 की मदद, महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही, फ्री मोबाइल योजना, 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, अब कितने दिए कितने नहीं दिए सब तो बात की बात है, गारंटी नाम दे दिया रेवड़ी पुरानी। देखिए देखिए अंजना जी, पहले मैं ये कहूं कि सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी बहुत सोच समझ के काम करती है और औरतों के लिए काम करती है। उन्होंने बहुत सोच समझ के बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा, उन्होंने बहुत सोच समझ के जो हमारी इंटरनेशनल चैंपियन रेसलर्स हैं जिन्होंने इतनी कोशिश की कि उनको जस्टिस मिले, बीजेपी ने बहुत सोच समझ के उनकी मदद की, आपको तो खुद पता है। बीजेपी ने बहुत सोच समझ के मणिपुर में ऐसा माहौल बनाया जिससे आपने देखा कि 2 बेटियां उनके साथ क्या हुआ, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बीजेपी बहुत सोच समझ के काम करती है और खास तौर से महिलाओं के लिए काम करती है। तो सुधांशु जी को तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, मोदी जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका तो नतीजा पूरे हिंदुस्तान के सामने है। देखिए आप सुधांशु जी को ये पता है कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमी का बताता हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप औरतों को काम करने का मौका देते हैं कि नहीं। इस वक्त ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो औरतों का जो है हिंदुस्तान में वो 20% के करीब है। ग्लोबल एवरेज
50% है, चाइना 60% है। ये इस अब मुझे ये बताइए, ये मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी औरतों के लिए खड़ी की है क्या? औरतों का तो बुरा हाल है, इसीलिए तो लेकिन ये इस वक्त, एक मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात हाँ सुनिए, हाँ इसीलिए जो मामा जी वहां पे मध्य प्रदेश में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वोट, इससे ज्यादा लेकिन गहलोत इंसल्ट साहब यही हो क्या कर सकती है। रहे नहीं हैं? नहीं सुनिए, नहीं पहले मेरी नहीं बात नहीं, नहीं, सुनिए, नहीं, पहले नहीं, नहीं, एक पहले काउंटर पहले क्वेश्चन तो सुनना पड़ेगा अंजना जी आपको। आप मैं उनसे भी कीजिए, काउंटर आपका, क्वेश्चन पूछा था, नहीं आपसे नहीं भी आप काउंटर कीजिए, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप सो कीजिए, साहब, आप आपका सुनिए सवाल ना, आ गया मेरे यही तो पास मेरा प्रश्न है कि जी। सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं आप, उनको ताकत नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी कमाई करें, हाँ यही उसी पे गहलोत आता साहब हूं, कर रहे हैं। उसी पे आता हूं, उसी पे आता हूं। देखिए पहली बात बघेल साहब कर जो रहे जो हैं, हाँ, जो जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो तो एक हिसाब से उनको पता है उनके हालत खराब है, इसीलिए तो वो इस वक्त एक हिसाब से उसको कहते हैं ब्राइब घूस देना, वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, अगर उनको इतना ही औरतों का ख्याल था तो उन्होंने पहले से क्यों नहीं किया। अगर जो मोदी जी को राखी बांधने का, वो राखी बंधवाने का इतना ही शौक था तो 2021 में राखी के टाइम में उन्होंने गैस की प्राइस क्यों बढ़ाई, 2022 में क्यों बढ़ाई, 2023 में उनको बहने याद क्यों आई। मैं आपको बता दूं, इनकी तो सियासत ऐसी है, लेकिन हमें भी कुछ बातें पता है इनकी और लोगों को पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई कांग्रेस ही क्यों कर रहे हैं, जब अशोक गहलोत जी ने गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए का अनाउंसमेंट किया, वो 2022 दिसंबर में किया, इलेक्शन नवंबर 2023 में है। जो भी अब अभी जो अच्छा गृह लक्ष्मी नहीं स्कीम, नहीं सुनिए नहीं सुनिए सुनिए, अब गृह सर, लक्ष्मी मध्य प्रदेश में सुनिए देखिए, एक सेकंड सर, सुनिए मध्य प्रदेश सुनिए, में प्रियंका वाड्रा गांधी वहां पर गई थी, और आपकी तरफ से कमलनाथ ने जो ये मैनिफेस्टो जारी किया है, पांच चीजें अनाउंस की है, उसमें 1500 देंगे हर औरत को, सुनिए हाँ, तो उसका भी ये मैं क्या उसका जवाब है? देता हूँ। ये भी हाँ मैं घूस जवाब है? नहीं, जवाब देता हूँ, उसी का जवाब देता हूँ। जब हमारी बहनों की सिचुएशन इतनी खराब है, इतनी खराब है, सचमुच खराब है, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप देखेंगे बहुत खराब है, तो हमें उनको अब वापस री एम्पावर करना है। जब तक आप औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे, बच्चियों को एम्पावर नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी, उनको कुछ मिलेगा नहीं, तब तक वो उठेंगी नहीं, और हमें उनको उठाना है। एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। उनको ताकत ठीक देनी, तभी हिंदुस्तान में ताकत आएगी, ठीक जब तक आप औरतों ठीक के है, साथ। अच्छा एक प्रदीप फाइनल जी, पॉइंट, एक हाँ फाइनल जल्दी पॉइंट, वन जल्दी फाइनल पॉइंट, जल्दी। वन फाइनल पॉइंट। जो आपने गैस प्राइसेस को कम किया है, एलपीजी प्राइसेस को कम किया है, मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे तो मैंने काफी काम किया है। जो सब्सिडाइज्ड गैसेस अभी हैं, जब आप एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल गैस प्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं, इस वक्त ये 400 रुपए जो इन्होंने वापस किए, 400 रुपए जो कहते हमने वापस किए ये बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए, अभी भी 175% ज्यादा है इनकी कीमत कंपेयर टू यूपीए एनडीए टू के, ये यूपीए टू के ठीक मुकाबले में ठीक है हंड्रेड ठीक है, एंड इसमें सेवेंटी सुधांशु फाइव जी आपको जवाब को देना होगा। वो कह रहे हैं क्या अभी जवाब भी देंगे, इनके पास है ही नहीं जवाब, ठीक है, क्या जवाब 400 का देंगे। सिलेंडर आपने पहले 1103 में बेचा, और उसके बाद से उसको घटा के अब 903 किया है, उज्ज्वला वालों के लिए देखिए 700 का। मैं, शब्द किसी को कठोर लग सकता है, पर ये कांग्रेस के लोग सरासर झूठ बोलते हैं, कोई भी जाके नेट पे चेक कर ले। जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था सिलेंडर, जिस 400 रुपए सिलेंडर की बात करते हैं वो सब्सिडी का सिलेंडर था। मैंने जैसे हम सब्सिडाइज ये गैस की कहते हैं कि बात हम की, उज्ज्वला का पहला सिलेंडर फ्री देते हैं, तो ये नहीं कि फ्री का सिलेंडर था अब इतने का हो गया। मान्यवर, 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे साल में, एक मिनट, और उसका वो जवाब 400 सब्सिडी का था, जो सब्सिडी की व्यवस्था WTO के एग्रीमेंट के तहत समाप्त हो गई। परंतु मुझे आश्चर्य होता है अंजना जी, सलमान सोज साहब जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। ये वो स्टेट थी जिसने वो रूल, कश्मीरी लड़के से शादी कर लेगी तो उसका प्रॉपर्टी, गलत ये है साहब, अगस्त और तभी टोटली 2019 में हमने रिजेक्ट किया समाप्त था। अरे किया बिल्कुल गलत ईमानदारी है से। आप, वो पीरियाडिक सुधांशु जी लेबर बहुत गलत कर सर्वे रहे हैं, का डाटा बताना सुधांशु चाहता हूं जी कि बहुत गलत बोल रहे 2022 हैं कि 23 में हाई कोर्ट ने महिलाओं उसको का जो रुक जाए, बीच आदेश में नहीं, दिया था। सॉरी सर सॉरी आपने अपने टर्न पे, सॉरी सो सलमान साहब, साहब, आज तक सलमान पे हम साहब लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, प्लीज आपने इट्स अपने अ आप अपने रिक्वेस्ट। टर्न पे जो हाँ आपको उचित लगे, मेरी बात गलत लगे आप काटिएगा। लेकिन महंगाई की मार जो महिलाएं झेल रही हैं, वो ये सब खाली लुभावने, जो ये नहीं हजार नहीं मैं रुपया एक मैं मोबाइल नहीं 25,000 नहीं मैं इससे पलट बिल्कुल जाएंगी। मैं रियल की बात कर रहा हूं। हाँ
स्टार्टअप में हमने हर बैंक की हर शाखा को आदेश दिया कि एक एससी एसटी और एक वुमेन को देना ही देना है आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन। और उसका प्रभाव यह है कि जो पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार 2022-23 में वुमेन पार्टिसिपेशन 32% हो गया है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 2.3 करोड़ थे 2014 में आज 9 करोड़ हो गए। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग महिलाओं की वो बात करते हैं, क्या मोदी जी ने उस चीज को समाप्त तो नहीं किया? ट्रिपल तलाक खत्म किया, ट्रिपल तलाक के साथ खड़े थे। मेहरम यानी कोई मुस्लिम महिला यदि जाना चाहे, दो महिलाएं मिलकर मां बेटी भी जाना चाहे, हज पे तो नहीं जा सकते थे, मोदी जी ने व्यवस्था खत्म की मेहरम की, तो आज देखिए हजारों महिलाएं जाने में सफल हुई। यह भी बात तो बोलनी चाहिए। तो ईमानदारी से महिलाओं के लिए हमने जब इतना ही दिल खुला है तो महिला आरक्षण बिल लाएंगे। देखिए महिला आरक्षण बिल के ऊपर जो आप बात कहती हैं तो सारे दलों के बीच में इस विषय के ऊपर आप याद करिए, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे आरक्षण का विषय भी आता है। जब तक आप सारे दलों की सहमत नहीं होगी आपके पास तो स्पष्ट जनादेश है तो मैं वो भी जो चाहते हैं वो बिल पास। बहुत अच्छा आपने सवाल किया अंजना जी, मगर मैं कहना चाहता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। हमने जनवरी 2008 में प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अपने संगठन में एक तिहाई हमने पद आरक्षित कर दिए थे महिलाओं के लिए। पूछे किस पार्टी ने किया? चलिए कुलदीप जी आप इसका भी जवाब दीजिए और साथ ही जवाब दीजिए, ये जो रेवड़ियां हैं ये सशक्तिकरण नहीं है, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये जो ₹1,000 बांटा आप लोग पंजाब में देते हैं, नहीं देते हैं, क्या क्या करते हैं जरा बताइए, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये सशक्तिकरण नहीं है जिस काम के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं आपका सर्वे देख रहा था और आपके सर्वे में बीजेपी को 2014 में 29% महिलाओं ने वोट दिया, 19 में 36% महिलाओं ने दिया, लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को क्या दिया? बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया है देश के अंदर? बीजेपी ने क्या किया कि जब देश की महिला पहलवाने आज धरने पे बैठी थी तो प्रधानमंत्री जी उसी संसद के अंदर जिसके ऊपर पोक्सो में एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमे दर्ज हुए, जिसके ऊपर महिला पहलवान ने आरोप लगाए, उसको साथ में बैठाते हैं, ऐसा इनका महिला सशक्तिकरण का ये नारा देने का काम करते हैं। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाथरस के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में रात के अंधेरे में एक बेटी को जला दिया जाता है, ये उसकी बात नहीं करते। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी जिसके अंदर भाजपा का नेता शामिल होता है, तो अगर आप देखेंगे कठुआ के अंदर एक बच्चे का बलात्कार होता है, भाजपा के नेता हुआ उसके सांसद नेता मिलके उसके समर्थन में रैली निकालते हैं। तो ये जो पूरा इनका प्रोपेगंडा है, ये भाजपा जो है सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, आपकी सरकार में कितनी महिला मंत्री है? इन्होंने हमारी सरकार में एक महिला मंत्री है, डिप्टी स्पीकर है, एक दिल्ली में साथी मंत्री होते हैं, वो भी अभी आपने जब सारे जेल में गए तब आपने आतिशी डिप्टी स्पीकर हमारी तब आपने आतिशी को मंत्री बनाया है, एक महिला मंत्री ने बनाया था आपने, अंजना जी जो सच है वो सच रहेगा। अंजना जी डिप्टी स्पीकर राखी बिरला है, अभी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, अभी मैं मंत्री पूछ रही हूं, इसी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए, इन्होंने बोला उज्ज्वला योजना की बात करी, 400 का सिलेंडर 1200 का दिया इन्होंने 9 साल तक, क्या कम किया? ₹200 इन्होंने कम करने का काम किया, पहले बहनों को खूब दबा के लूटा, खूब उनसे पैसे वसूली करी और बाद में जब चुनाव आए तो उनको देने का काम किया। दिल्ली के अंदर मैं बताता हूं, आपने पूछा दिल्ली में आप क्या देते हैं, दिल्ली के अंदर आज हमारी बहन बेटियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डीटीसी बस के अंदर किराया माफ किया, इसलिए नहीं किया रेवड़ी, इसलिए किया ताकि हमारी बहन बेटियां ज्यादा संख्या में बसेस के अंदर जाएं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज दिल्ली के बारे में बता दूं, दिल्ली एक देश पूरे वर्ल्ड के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको, वर्ल्ड के अंदर दिल्ली ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की कवरेज है। आज हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, आज गली के अंदर हर मोहल्ले के अंदर महिला सुरक्षा के लिए लाइटें लगाई गई है, हर बस के अंदर एक मार्शल तैनात है जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करने का काम करता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम करने का काम किया। और ये रेवड़ी की बात करते हैं, अरे रेवड़ी नहीं है, ये जनता के अधिकार है, जनता जो टैक्स का पैसा दिल्ली की सरकार को देती है वो आपको भी देती है, लेकिन आप उन पर खर्च नहीं करते हो। आप किस पे खर्च करते हो? आप खर्च करते हो अडानी को अमीर बनाने के लिए, आप खर्च करते हो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल किसे खर्च करते हैं? अपनी बहनों को सम्मान देने के लिए, अपनी बहनों को अधिकार दिलाने के लिए। तो ये फर्क है जो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इस सरकार ने इतने सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया और ना आगे कुछ करने वाली है। मलुक जी देखिए, इसमें जो बहुत ही बढ़िया बहस है, थैंक यू वेरी मच, रेवड़ी और महिलाओं के लिए सुविधा दो अलग अलग चीज है। जब चुनाव होता है और मैनोफेस्टो में जो चीजें फ्री में बांटी जाती हैं वो रेवड़ी, और बाद में अगर कोई सुविधा दी जाती है तो वो सुविधा। इस पर भी एक अंदर जाना पड़ेगा जिसमें देश की संसद में चर्चा होनी चाहिए। अगर मैनोफेस्टो में चुनाव के एक दिन पहले कुछ भी डिक्लेयर कर दो, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, और अगर किसी भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी झूठी एक कंप्लेंट डाल दे उस पर FIR होगी और 2-3 साल तक केस चलता रहेगा। कई जगह जरूरत है रेवड़ी में, और कई जगह सुविधाओं में, और चुनाव आचार संहिता में, और चुनाव की व्यवस्था पे चर्चा की ताकत पर बात करते हैं। मैं उसमें भी
आ रहा हूँ। मायावती जी तो एक महिला नेता है, एक पूरी पार्टी, उसमें भी अंजना जी आ रहा हूँ। लेकिन किया क्या महिला सशक्तिकरण? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलओ की टिकट में कुमारी बहन मायावती जी देती हैं, और जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेरी खुद की वाइफ गाजियाबाद से चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, महिलाओं को प्राथमिकता पे दिया जाता है। और एक बात और कह रहा हूं मैं कि कुमारी बहन मायावती जी खुद एक महिला, और वो भी एक दलित महिला, और कांग्रेस के साथ एमएलए तोड़ करके मध्य प्रदेश में इसी में जो सरकार चल रही है डांका डाल के ले गए, और उसी दलित और महिला, ये जो महिला की बात कर रहे हैं कांग्रेसी, राजस्थान में 6 विधायक डांका डाल के ले गए, उत्तराखंड में 6-3 विधायक डांका डाल के ले गए, और तो और कांग्रेस के अंदर खुद जब हर जगह प्रियंका गांधी जी को आगे करते हैं, और आज प्रियंका गांधी जी कहीं दिख नहीं रही है और बात कर रहे हैं। मैं क्या महिला पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कि वो कौन तोड़ रहा है आपकी पार्टी को, मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, मायावती जी ने एक महिला नेत्री के तौर पर अपना वर्चस्व कायम किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया, कहाँ पर चूक हो रही है? सिर्फ वोटर की तरह, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम 1000 ले, पहले 1200 ले लो, तुम अब मोबाइल ले लो, तुम अब ये कर लो। हमारे चुनाव के मैनोफेस्टो में कोई भी चीज फ्री में रेवड़ी नहीं बांटी जाती है, बाद में सुविधाएं दी जाती है। चलिए ठीक है, सुधांशु जी आप पर तमाम आरोप लगे हैं, और उन्होंने बताया है प्रमाण के साथ कि दिल्ली में महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं। आप इसको रेवड़ी बोलना बंद कीजिए। हाँ, इन्होंने कहा कि 1000 रुपए फ्री दे दिया, कुछ 700 रुपए का कोई बिजली फ्री दे दी अरविंद केजरीवाल जी ने, और खुद क्या किया, 50 करोड़ रुपए अपने मकान में, 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 15 करोड़ के टॉयलेट लगे हैं, गजब का काम किया है साहब। और इतना ही नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूं महिलाओं के संदर्भ में, ये पार्टी जब सत्ता में आई थी तो इसने आम आदमी पार्टी ने अपने पहले संकल्प पत्र में लिखा था। मान्यवर, आपने अपने टर्न पे बोलिए, बीच में नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पार्टी का पहला मैनिफेस्टो जाकर देख लीजिए। इसने कहा था दारू का ठेका किसी भी इलाके में तब तक नहीं खुलेगा जब तक वहां की 75% महिलाएं लिखित सहमति नहीं देंगी, और धड़ाधड़ ऐसे खोले, एक पौवे पे दूसरा पौवा फ्री। ये भारत की अद्भुत नई राजनीति की सरकार थी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, और कह रहे हैं हम तो महिलाओं, और कितनी महिलाओं से लिया कंसेंट पूछना चाहते हैं ना, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। और महिलाओं के सम्मान की बात है तो अभी मलूक नागर जी ने मायावती जी का याद दिलाया, तो मुझे याद आया मायावती जी को स्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995 में उन्हें घेर कर हत्या करने की साजिश और जातिगत आधार पर अपमान करने की साजिश, ये कोर्ट का हलफनामा है, करने वालों के साथ आज ये खड़े हैं। ये उत्तर में था, दक्षिण में याद करिए, मार्च 1989 विधानसभा में, तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता जी की साड़ी खींची गई और डीएमके के सारे लोग हंस रहे थे। ये मैंने मुख्यमंत्री स्तर की दो महिलाओं का उदाहरण दिया, उत्तर से दक्षिण, वो भी इनके साथ खड़े, ये भी इनके साथ खड़े, जिन्होंने मुख्यमंत्री स्तर की महिलाओं के साथ ये बर्ताव किया है। किस मुंह से आज बोलते हैं कि हम महिलाओं के, हमने जमीन से लेकर ऊपर तक सशक्तिकरण किया मोदी जी की सरकार में। याद देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट के आप देख लीजिए, जो लोन्स दिए गए उनमें 47% ऐसी कंपनियों को दिए गए जिनमें कोई ना कोई एक डायरेक्टर महिला जरूर है, या एक उसमें ओनर या पार्टनर महिला जरूर है। आपको इसका जवाब, ये होता रियल सशक्तिकरण, ये नहीं होता कि आपने दे दिया 1000 रुपए से किसी महिला का तकदीर नहीं बदलने वाली, पर यदि आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप में स्थान देते हैं तो उसकी तकदीर बदलेगी। इंडिया गठबंधन पर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि आप लोग उस डीएमके और उस समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हालांकि समाजवादी मायावती जी ने अखिलेश जी से हाथ मिला लिया, तो अब आप चाहते हैं कि उनके स्टैंड की वजह से ये ना हाथ मिला, ये तो बहुत दूर की बात। लिया था, देखिए, जब सुधांशु त्रिवेदी हिंदुस्तान के लोगों को ये बताएंगे कि ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस जेल भेजेंगे, तब ये बात कर सकते हैं। इनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। क्यों नहीं मुद्दा बनाया इसको कांग्रेस ने? अच्छा, नहीं पूछिए इनसे, इनका जब आम आदमी पार्टी पूछे क्यों नहीं मुद्दा बनाया? नहीं, मैंने कांग्रेस से भी एक या दो प्रवक्ता आपके, नहीं नहीं सोच साहब, क्योंकि आप बिल्किस बानो पे बार बार बोल रहे हैं, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपकी पार्टी भी डरती है हिंदू तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स, अब आपकी पार्टी भी कर रही है सोच साहब? सुनिए, नहीं, आप जरा मुझे मौका दीजिए, जैसे आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना टाइम दिया और आपने अच्छी तरह सुना, मेरी भी बात आप सुनिए। इनके पास, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनकी पार्टी का एक एमपी है जिसके खिलाफ हिंदुस्तान की चैंपियन रेसलर्स ने, मैंने नहीं, किसी मुस्लिम लड़की ने नहीं, चैंपियन रेसलर्स ने उनके खिलाफ बयान दिया, प्राइम मिनिस्टर को बोला, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सस्पेंड किया? क्या सस्पेंड नहीं कर सकते एक इंसान को, ये क्या औरतों का काम करेंगे? जहां तक, can you hear me?
या आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप पॉइंट को मिस कर रहे हैं सर अशोक साहब, इसीलिए आपको टोकना पड़ रहा है मुझे बार बार। देखिए ये रेटरिक वाले जो डिबेट्स है ना, वो तो रोज हम करते हैं, रेटरिक वाले डिबेट्स कुछ और है, लेकिन ये नंबर्स देखिए, एक सेकंड, नंबर्स क्या कह रहे हैं वो देखिए। ये आपने पिछले जवाब में भी आपने यही हूबहू बात बोली थी ना, इसलिए मैं टोक रही हूँ आपको। कम टू नंबर्स, कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या करेगी कि आप बाजी को पलट सके? एक बार नंबर्स इनको दिखाइए, क्योंकि बीजेपी में ही अभी भी वो विश्वास दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे में आप तो कैसे बाजी को पलटेंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए मैं आपके नंबर्स मेरे स्क्रीन पे है नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, चलिए मानिए कि नंबर्स आपके दिखा रहे हैं कि बीजेपी को काफी सपोर्ट मिला औरतों की वजह से, लेकिन ये जो अब नया इलेक्शन है ये टोटली डिफरेंट इलेक्शन है। क्यों? ये हिमाचल में गए वहां हारे, और आपने खुद कहा कि इनको महिलाओं ने हराया। ये कर्नाटक गए वहां तो दे वर डिस्ट्रॉयड बाय वुमेन एंड मेन, बट वुमेन। अब पांच स्टेट हैं, अंजना जी मैं आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनसे इनको तो पता है कि किसी भी जगह एक स्टेट में इन पांच में से इनके पास कोई गारंटी नहीं जीतने की। क्यों? क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं, इसीलिए ये इस वक्त रैटल्ड हैं, दे टोटली रैटल्ड। इंडिया अलायंस की आज तीसरी मीटिंग थी, दो दिन की मीटिंग हुई, दे टोटली रैटल्ड। इनको पता है अब द राइटिंग इज ऑन द वॉल, ये कितनी भी गैस प्राइसेस कम करते, आपने तो बहुत अच्छा इनको बोला कि 9.5 साल आपने बहुत सारे टैक्स खाए, इतनी प्राइस हाई रखी गैस की, रखी पेट्रोल की, डीजल की, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है, अब लास्ट में ये थोड़ा सा ये रेवड़ी बांटने की कोशिश करेंगे, घूस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग यहाँ के बेवकूफ नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें बेवकूफ नहीं है, इनको इसका भुगतना पड़ेगा, इनकी हार मेरे ख्याल में गारंटीड है, ये हमारी गारंटी है। और बाय द वे जो ये कहते हैं पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात जो ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी तो साथ है, चलिए कीजिए, आप आइए ना, कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ है। ठीक है, एक बार सुधांशु जी इसका जवाब दे, आप दोनों के पास आ रही हूं, इसका जवाब दीजिए आप सीधा। महिला आरक्षण पे वो कह रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आइए। अरे कहां साथ है भाई, अपने जमाने में कभी प्रस्ताव लाए थे? कहां साथ है, दिखाइए, आप बताइए, आपका नेता प्रतिपक्ष बोले, इसलिए मैं कह रहा हूं। माननीय अभी आपने बार बार बहुत बार बोला बिल्किस बानो का विषय, तो सलमान साहब आपने शायद इसलिए बोला कि बिल्किस बानो मुस्लिम है, इसलिए आपने कहा कि साहब उसके साथ न्याय नहीं। अरे नहीं, वो तो आपको याद है, सब हिंदू मुस्लिम है, आपकी नजर में इंसानियत। मैं उसी बिंदु पे इंतजार करिए, अपने टर्न पे बोलिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ दिल में हकीकत में किसके क्या है। यूपी में भी एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था इमराना, और उसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, तब एक मौलवी ने फतवा दे दिया कि बाद से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। आप सब मुंह में दही जमा के बैठे रहे थे, याद करिए, आप तो वो पार्टी हैं जिसने कश्मीर के ऊपर, आप कह रहे हैं एक दो महिलाओं की बात, जहां हजारों महिलाओं के लिए दीवार पर लिख दिया गया कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ, और उसके बाद उन लोगों को अपने जमाने में बुला बुला के सम्मानित किया गया। आप तो वो पार्टी हैं जिसके मुख्यमंत्री ने केरल में ओमन चांडी साहब ने कहा कि किस ढंग से लड़कियों को फंसा कर, लव जिहाद में फंसा कर उनका शोषण किया जा रहा है, उसको आपने नकार कर उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और आज भी मैं पूछना चाहता हूं सोच साहब से, ये चार बीबी के साथ हैं कि नहीं? अभी देखेगा एकदम सन्नाटा हो जाएगा सारा, महिला आरक्षण और महिला ये और महिला समानता, सब एकदम सन्नाटा, एकदम क्योंकि उसमें सेकुलर संगीत आ जाता है। अब तगड़ा वोट बैंक देखा जाता है, ऑडियो नहीं जा रहा, आई एम सॉरी, अब सुनिए, एक बार में एक ही व्यक्ति का ऑडियो जाएगा, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, शाउटिंग मैच नहीं करते करना है मुझे प्लीज। अंजना जी ये तगड़ा वोट बैंक देख के तब उसको छोड़ देते हैं, ज्यादा मजबूत वाला दिख जाता है। और मैं अंत में एक और बात कहूं, और तो बात, जब हम ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में खड़े हैं ना, तो सारे लोगों से और करोड़ों दर्शकों से विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हमारा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का फोर्थ बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही बना है, ये मोदी जी के दौर में उपलब्धि हुई, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़े सो साहब एक बार रिएक्शन दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके जरिए बहुविवाह पर पूर्ण विराम लग सकता है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप नहीं मानते हैं कि महिलाओं का हक रौंदा जाता है जब बहुविवाह होता है, मल्टीपल मैरिज? जो बीजेपी की एक बात है, जो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो चाहे वन नेशन वन पोल हो, इनका एक चीज है, इनका है कि जो हम हिंदुस्तान की जो है यूनिफॉर्म, ये जो डिवर्सिटी है, ये डिवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। उसमें जो जो वुमेन्स राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो प्रोटेक्टेड राइट्स है, वो तो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन उनको उसके साथ कुछ नहीं, इनको ये सियासी, इसको कहते हैं सियासी गुब्बारा उड़ाना। आप यूसीसी पे स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है, मुझे अन्य मेहमानों से भी अब बात की कमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका तो यही है, मल्टीपल मैरिज जाएंगे अलग अलग चीजों में, कुछ करेंगे नहीं, लाएंगे बिल, मल्टीपल मैरिज
बाय अ मैन, ये विमेन राइट्स का हनन है या नहीं है, इसमें क्लियर आंसर दीजिए। क्या कह रही, मल्टीपल मैरिज बाय अ मैन, चलिए वो तो खुल कर कह रहे हैं, पता नहीं इसमें पार्टी लाइन क्या होगी। जल्दी से आप दोनों से हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, पूछना चाहता हूँ 2004 से 2014 के बीच महिला आरक्षण बिल आया और वो क्यों नहीं पास कराया, और सरकार तो चलती रही और वो बिल पास नहीं कराया, तो क्या नियत साफ थी। दूसरा, सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि इस सत्र में जो स्पेशल बुलाया 18 से 22 तक, क्या वो महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे? अब सुधांशु जी कहेंगे, मुझे क्या पता। अंजना जी भाई, ये तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आएगा तो पता लग जाएगा क्या क्या बिल आने वाला है। ठीक है, कुलदीप जी। अंजना जी देखिए, सुधांशु सारी बातें करी, इन्होंने महिला पहलों के मुद्दे पे नहीं बोला। दूसरी बात, एक और, ये वही पार्टी है जो बोलते हैं हमने राष्ट्रपति महिला बनाया, लेकिन इनकी सोच देखिए कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता है तो वहां महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक महिला है, वो एक दलित है, ये इनकी सोच है, ये उसमें स्पष्टीकरण नहीं देंगे अपना। दूसरी बात, ये दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली के अंदर हमने अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसके अंदर वो महिला जाके इलाज कराती है, दवाइयां लेती है, टेस्ट लेती है, वो चाहे वो महिला मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, बिल्कुल महिलाओं से क्या लिंक नहीं, महिला मोहल्ले क्लिनिक खोले गए, पिंक महिला मोहल्ले क्लिनिक खोले गए दिल्ली के अंदर। और बिजली के बिल की बात कर लूं, अगर महंगाई की बोझ पड़ती है किसके ऊपर पड़ती है आप बताइए। आज आप गैस की बात तो मैं कर रहा हूं, आज दाल की बात कौन करेगा, आज तेल की बात कौन करेगा, आज चीनी की बात कौन करेगा, सब्जियों की बात कौन करेगा। लगातार महंगाई स्तर में बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी जी अपने अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मस्त है, मोदी जी के लगातार एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए मस्त है। तो आज ये देश ये जान चुका है कि ये सरकार ना महिलाओं की है, ना युवाओं की है, ना किसानों की है, ये सरकार किसी की नहीं है। और जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो मैं बेटियों की भी बात करता हूं जिनकी दर बहुत ज्यादा है, वो भी आज एमबीए बीए की डिग्री लेके बेरोजगार घूम रही है। लेकिन सरकार के पास ना कोई प्लान है, ना कोई नीति है उनको रोजगार दिलाने की। आज वो सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जब से कोविड की मार के बाद इतनी बेरोजगारी इधर बढ़ गई है, लेकिन ना सुधांशु जी कहेंगे, ना उनका कोई नेता कहेगा। और महिला पहलवानों के मुद्दे पर तो आज ये सब मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है। मणिपुर के मुद्दे की बात करो तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। अरे बात करिए ना, महिलाओं की बात करिए। और सुनहरा मौका है, विशेष सत्र बुला रहे, महिला आरक्षण बिल पास कराइए। कितना विचित्र उदाहरण दिया कि मोहल्ला क्लिनिक का महिलाओं से मतलब है, और फिर क्या कहे, सब्जी की बात, इसकी बात, महिलाओं का इससे। अरे महिलाओं का इससे सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब नहीं है। हमारी सरकार ने आने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस में पहली बार महिलाओं की विंग बनाई, हमारी सरकार आने के बाद पहली बार कमीशन्ड फाइटर प्लेन्स की पायलट महिलाएं बनी। हमारी सरकार आने के बाद याद करिए, एक अमेरिका से और बेंगलोर तक फ्लाइट आई थी जिसमें ऑल वुमेन पायलट थी जो नॉर्थ पोल से होते हुए आई थी। तो हमने महिलाओं का और हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, पूर्णकालिक विदेश मंत्री महिला, फिर देखिए यही गलत बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूर्ण का, इसलिए महिलाएं कुछ अचीव कर रही हैं तो आप उस अचीवमेंट का भी क्रेडिट ले लेंगे। क्यों, कमीशन तो सरकार तय करेगी ना कि कमीशन उसमें ठीक है, लेकिन ये जो ऑल वुमेन फ्लाइट थी, नहीं नहीं ऑल वुमेन फ्लाइट में हम कह रहे हैं, जब हमने आपको पता है एक मजेदार बात बताऊं, हमारी सरकार आने के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरोनॉटिकल सेक्टर में मतलब फ्लाइट में परसेंटेज महिलाओं का भारत का है, ये भी एक फैक्ट सबको पता होना चाहिए। इसलिए मैं महिलाओं के लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, अब वो दिन गए जब महिलाओं को कोई उस जंग से डील करता था। महादेवी वर्मा जी की कविता की एक लाइन है, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये स्वाभिमान हम महिलाओं के बीच में भरने का प्रयास कर, बिल्कुल, और जो वो करती हैं अपने स्वाभिमान से करती हैं, उसका श्रेय भी उन्हीं के पास रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन रेवड़ियां बांटकर उनको अपनी तरफ करने की कोशिश के बजाय सशक्तिकरण ही सही उपाय हो सकता है आने वाले वक्त के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में तहे देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।